हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो जी, आज फिर से मैं आप लोगों के सामने एक न्यू वीडियो लेकर, एक न्यू कंटेंट लेकर हाजिर हुई हूँ। और जो वो कंटेंट है ना, वो कुछ इस तरीके से है कि किस तरीके से है मेरा कंटेंट, बता दूँ चले बताती हूँ। वैसे तो मैं थोड़ी मस्ती करने के मूड में भी हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से थोड़ा गायब थी और अपने आप को शो करके वीडियो नहीं बना रही थी। कुछ इसके रीजन्स थे, बट जो भी रीजन्स है वो ख़त्म हो गए। अब मैं आप लोगों के सामने हूँ और मैं आप लोगों के साथ जो बात करने जा रही हूँ वो इस वीडियो के रिलेटेड है। देखें, आप क्या करती हैं, चाहे आप गर्ल हैं, चाहे आप बॉय हैं, कुछ भी हैं, तो आप लोगों को क्या करना होता है, आप लोगों को अपनी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। चाहे वो आपकी स्किन हो, चाहे वो आपके बाल हो, चाहे वो आपकी आईज हो, या कुछ भी, एनीथिंग, आपको उसका ख्याल रखना पड़ता है। और ख्याल रखने के लिए आपको बहुत एहतियात करनी पड़ती है और ऐसी चीज़ें यूज़ करनी पड़ती हैं कि जो बेनिफिशियल हो। ऐसा ना हो कि उन चीज़ों से आपको हो नुकसान, फ़ायदा कुछ भी ना हो, बेनिफिट ना हो, लॉस हो। तो ऐसी चीज़ें आपको यूज़ नहीं करनी कि जिससे आपको लॉस हो। आपको ऐसी चीज़ें यूज़ करनी होती हैं जिससे आपको बेनिफिट हो, ठीक है ना। तो मैं बेसिकली आप लोगों को यही कहना चाह रही हूँ कि आजकल बहुत सी ऐसी कंपनीज निकल आई हैं जो फेक भी हैं, जो अपने प्रोडक्ट्स ऐसे दिखाती हैं कि ये प्रोडक्ट आप लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। बट आपको अपने प्रोडक्ट की जो आपकी पहचान है ना, वो आपको खुद करने आनी चाहिए। आप किसी भी फेक प्रोडक्ट की तरफ तब तक नहीं जाएं जब तक कोई आपको बताए नहीं कि ये सही है, ये सही नहीं है। कुछ लोगों से हम मशवरा लेने के लिए हमेशा भाग रहे होते हैं। क्यों भाग रहे होते हैं, क्यों सोचते हैं कि हम पीछे उनके भाग उनसे मशवरा लें, उनसे पूछें कि ये चीज़ सही है या नहीं है। तो वो हम क्यों करते हैं, वो इसलिए करते हैं क्योंकि लोगों को उन चीज़ों के बारे में पता होता है, नॉलेज होती है। वो लोग यूज़ कर चुके होते हैं, नहीं कर चुके होते हैं तो भी आपको बताते हैं कि ऐसी है और ऐसी नहीं है, या उनके फ्रेंड्स ने यूज़ की होती है तो वो आप लोगों से इसका रिव्यू शेयर करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको यही कहना चाह रही हूँ कि आप किसी भी इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, गूगल पे, कहीं भी सर्च करके कोई आप हेयर ग्रोथ की चीज़ देख लें, किसी भी ब्रांड की देख लें, आपको पसंद आए, आप उसको पिक कर लें, उठा लें, बिना सोचे समझे, बिना किसी से मशवरा किए कि ये सही है या नहीं है, हमें ये लेना चाहिए या नहीं, इससे हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप अपनी चीज़ें किसी से भी मशवरा किए बगैर कोई भी चीज़, चाहे वो नई हो प्रोडक्ट या पुरानी हो, न्यू ब्रांड हो या पुराना हो, आपको मशवरा ज़रूर लेना चाहिए। आपको पूछना चाहिए कि क्या मेरे ऊपर ये सूट करेगा, नहीं करेगा, ये किसके लिए है, इसमें कितना केमिकल है, इसमें क्या है, ये नेचुरल है, ये नहीं है। आपको हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन उस बंदे से ज़रूर लेनी चाहिए जिस बंदे ने इसको यूज़ किया हो, ठीक है। आज मैं बात करने आई हूँ, बिना टाइम वेस्ट किए आप लोगों के साथ बात करने आई हूँ कि आप लोगों ने कभी सही करने के प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं। जी हाँ, बिल्कुल की होंगी, और क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सही तरीके के प्रोडक्ट्स मैं मानती हूँ कि वो प्रोडक्ट ऐसी हैं कि वो हर कोई यूज़ कर चुका होगा। कुछ चंद लोग होंगे जिन्होंने यूज़ नहीं की होगी, बट जिन्होंने भी उसके प्रोडक्ट यूज़ की होगी, चाहे वो क्रीम हो, चाहे वो शैम्पू हो, चाहे वो ऑयल हो, तो उनको वो प्रोडक्ट समझ में आई या नहीं आई। मेरे हिसाब से उनको वो प्रोडक्ट ज़रूर समझ में आई होंगी, क्योंकि सही गनी ऐसा ब्रांड है जो ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है और बहुत ही रीज़नेबल है। और सही गनी ऐसा ब्रांड है कि वो अपनी चीज़ों को नेचुरल तरीके से इंट्रोड्यूस करवा चुका है मार्केट में। मतलब उसकी चीज़ों में ना नेचुरल चीज़ें यूज़ होती हैं, उसकी जो चीज़ें हैं वो नेचुरल हैं, मतलब वो नेचुरल जड़ी बूटियों से बनी हुई होती हैं, हर्ब से बनी हुई होती हैं उनकी, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो क्रीम हो, उसमें कोई ऐसे केमिकल्स यूज़ नहीं होते जिससे आपकी स्किन डैमेज हो। तो इसलिए जो आपकी जो स्किन है ना, अगर आप उस पर सही तरीके के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, चाहे स्किन हो, चाहे हेयर हो, चाहे कुछ भी आपके हैंड्स हो, चाहे आपका फेस हो, फेस वॉश हो, कुछ भी हो, तो उसकी कोई भी चीज़ होगी ना सही तरीके के ब्रांड की, तो आपको उससे नुकसान तो नहीं होगा, हाँ फ़ायदा ज़रूर होगा, ठीक है ना। मैंने इसकी क्रीम्स ली हैं, मसाज क्रीम ली थी, एलोवेरा जेल वाली क्रीम ली थी, वाइटनिंग क्रीम ली थी, और हम इनका न्यू ऑयल निकला है जो आजकल लॉन्ग हेयर्स के लिए और जिनका हेयर फॉल होता है उनके लिए, वो हेयर ऑयल बहुत चल रहा है, नेट पे भी बहुत इन है आजकल, नज़र आ रहा है सब लोगों को। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वो ऑयल और वो शैम्पू शेयर किया जाए जो आजकल बहुत इन है और सब इसको यूज़ करने के लिए बेताब है और सोच रहे हैं कि पता नहीं ये कैसा है, कैसा नहीं है, और अच्छा है या नहीं है। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये बहुत अच्छा है, यूज़ किया है मैंने, और इसका ऑयल भी बहुत अच्छा है और इसका शैम्पू भी बहुत अच्छा है। अच्छा इस सेंस में कि कोई ऐसा केमिकल नहीं है कि आपके हेयर को डैमेज करे, कोई ऐसा ना शैम्पू में है, ना ऑयल में है, ना ही कोई बदबू है कि जिससे आप उसको लगाने से हिचकिचाएं कि नहीं हम नहीं लगा रहे, इसमें तो इतनी स्मेल आ रही है, पता नहीं इसमें क्या क्या होगा। नहीं, बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है, ऐसी फ्रेग्रेंस है जो आपको अट्रैक्ट भी करे और आपको लगाने में अच्छा भी लगे, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के साथ सही गनी का मक्सियात ऑयल एंड शैम्पू शेयर करने आई हूँ, उसका रिव्यू देने आई हूँ।
तो आप जब इसका रिव्यू आप इसको देखेंगे, आप इसके रिव्यू देखेंगे, आप इसकी शैम्पू की ऑयल की बॉटल देखेंगे, आप इसको परचेज करेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे, तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने जो कुछ बोला वो सही बोला या नहीं बोला। तो आज की वीडियो का था मेरा ये कंटेंट कि जिनको हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, जिनको लॉन्ग हेयर्स करने हैं, वो इस ऑयल को ज़रूर ट्राई करें, मक्सियात ऑयल, जिसका आज मैं रिव्यू शेयर करने जा रही हूँ। तो इंशाल्लाह आपके हेयर्स में बहुत फ़र्क पड़ेगा और आप मुझे दुआएं देते नहीं थकेंगी। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो में, तब तक आगे की वीडियो में आप मेरा रिव्यू देखें, मैं इस ऑयल का रिव्यू दे रही हूँ। फिर एक न्यू वीडियो के साथ, एक न्यू कॉन्टेंट के साथ मैं हाजिर हूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, तो ये है मक्सियात शैम्पू एंड ये है मक्सियात ऑयल जो मेरे सामने पड़ा है इस वक्त, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। इंट्रोड्यूस करवाने का मकसद ही यही है कि आजकल जो लड़कियाँ हैं ना, वो बहुत परेशान हैं अपने हेयर फॉल से, अपने हेयर के टूटने से, अपने हेयर्स के ना बढ़ने से। चाहे लड़कियाँ हो चाहे लड़के हों, दोनों ये हेयर शैम्पू एंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, मैं इसकी बॉटल्स और शैम्पू और ऑयल की आप लोगों के सामने रिवील कर रही हूँ। ये आपको एटलीस्ट 300 की प्राइस तक मिल जाएगा। 300 का अगर ऑयल है तो 330 या 350 का शैम्पू है तो आपको 600 टू 650 के अंडर में आपको ये दोनों सामान मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ऑयल लेना है, आपको ये शैम्पू लेना है, पहले आपको ऑयल की चम्पी करनी है अच्छे से अपने हेयर्स में, चाहे आप रात को लगा के इसको सोएं, चाहे आप दिन में लगाएं, एक घंटे के लिए लगाएं, पूरी रात लगाएं, वो आपकी मर्ज़ी है। आप जिस तरीके से उसको यूज़ करते हैं, इट्स योर चॉइस, बट आप इस ऑयल को लगाएं। ऑयल को लगाने के बाद इसी शैम्पू से आप अपने हेयर्स को वॉश करें, और हेयर्स को वॉश करने के बाद आप एक दो दिन में तो इसका रिज़ल्ट देख नहीं सकते, आप इसको मंथ बाय मंथ यूज़ करते रहेंगे तो इंशाल्लाह इसका रिज़ल्ट आपके सामने नज़र आता जाएगा।